नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी पीजीटी जनरल श्री का यह टेस्ट संख्या 28 है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल श्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। जीआईसी पीजीटी जनरल श्री का मॉक टेस्ट लगातार चलता रहेगा। 20 जून को जीआईसी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, इसलिए लगातार मॉक टेस्ट चलता रहेगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल श्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जीआईसी पीजीटी का। और अगर आपको जीआईसी पीजीटी जनरल श्री का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आपको 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज जीआईसी पीजीटी जनरल श्री की मिल जाएगी। साथ ही साथ जीआईसी पीजीटी के अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं सबका हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट, लेक्चर्स, वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आप लोगों को ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। तो आइए प्रश्नों पे आते हैं। यह टेस्ट संख्या 28 है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल श्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। किस राज्य में कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया? तो वह कौन सा राज्य है जहां कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र भी जारी किया गया कोविड के दौरान और कोरोना कवच के नाम से एप्लीकेशन भी जारी किया गया। तो कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया उत्तर प्रदेश में। और यह जो पीडीएफ है यह आपको मिल सकता है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो वह है कर्नाटक के साथ। कर्नाटक के साथ कला शिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ है कर्नाटक का। और अगला प्रश्न देखिएगा, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई किस भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ? तो विराट कोहली। देखिए मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के एक सदस्य हैं संजीव गुप्ता, उन्होंने ही यह शिकायत दर्ज कराई है। और जो बीसीसीआई के लोकपाल हैं डीके जैन, उनके पास यह शिकायत दर्ज की गई कि जो विराट कोहली हैं एक साथ दो पदों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए यह शिकायत दर्ज की गई है। तो विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो वह इंडोनेशिया है, विकल्प ए। मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? तो 250 करोड़, विकल्प बी। जो विकल्प सही है पहले से टिक लगा हुआ है, समझ सकते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप जारी किया है? तो मिजोरम की सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप जारी किया है मिजोरम की सरकार ने। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलबिली का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलबिली का निधन हुआ है, यह आइवरी कोस्ट के, विकल्प सी, आइवरी कोस्ट के थे। अगला प्रश्न देखिएगा, हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए यहाँ गलत है, कार्यवाहक निदेशक जो नियुक्त हुए हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम है, यह गलत है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं हॉकी इंडिया के, और पहले इसके अध्यक्ष थे मुश्ताक अहमद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम जो हैं हॉकी इंडिया के निदेशक बने हैं। और जो पुरुष कोच हैं, पुरुष हॉकी इंडिया के जो पुरुष कोच हैं उनका नाम है ग्राहम रीड। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विकल्प डी जो है सही है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो नवतेज बल। देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सीईओ नवतेज बल बने हैं। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का जो मुख्यालय है वह है हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो संस्थापक हैं, वह हैं बिल गेट्स और पॉल एलन जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया में है, ध्यान रखिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वह हैं सत्य नडेला।
और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो सीईओ हैं नौ तेजबल, यह सब ध्यान रखिएगा। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, बस इतना ही, और अगला प्रश्न अगली सीरीज में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करना है। किसको जिसको भी मटेरियल चाहिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, GICPGT जनरल स्टडी के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं।